पिछले लेक्चर्स में हमने आपको नाउन, नाउन फॉर्म्स, नंबर, नंबर डिटेल्स बताया था। यदि आप वो वीडियो, वो लेक्चर न देखे हो तो आइकन की बटन वहाँ दबा करके उसको देख सकते हैं। अब इस लेक्चर में रूल्स ऑफ फॉर्मिंग द प्लूरल्स, इसकी चर्चा करेंगे। जो पहला रूल है, जिस संज्ञा के अंत में प्रायः कॉन्सोनेंट होता है, प्रायः कॉन्सोनेंट होता है, उसमें यस जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। समझे? इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर दो प्रकार के हैं, वॉवेल कॉन्सोनेंट, ए ई आई ओ यू, ये पांच वॉवेल है, शेष 21 लेटर्स और इंक्लूडेड इन कॉन्सोनेंट। तो ये पहला नियम जो है, जो संज्ञा कॉन्सोनेंट्स पर समाप्त होती है उसमें एस जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। ध्यान दें, एस जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बैग, बैग्स, कैट, कैट्स, बुक, बुक्स। ये ध्यान रखना। इसी तरह से रोड, गर्ल, ईटीसी। संज्ञा के अंत में प्रायः ए, डबल ई, ए वाई, ओ वाई, डबल ओ आदि आता है, उसमें भी एस जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉय, बॉयज, डे, डेज, बम्बू, बम्बूज, कक्कू, कक्कूज, इटीसी। नेक्स्ट है, जिन संज्ञा के अंत में एस, एस ए, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स आदि आता है, उसमें ई एस जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे बेंच, बेंचेज, बस, बसेज, बॉक्स, बॉक्सेज, टैक्स, टैक्सेस। किंतु इसमें एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। यदि किसी नाउन के अंत में सी एच आता है और उसका उच्चारण का होता है तो उसमें एस जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। सच एज स्टमच, स्टमक, स्टमक मीन्स पेट। इसमें बहुवचन बनाने के लिए स्टमस होता है। मोनार्च, मोनार्क। जिस संज्ञा के अंत में ओ होता है, इसका एक अपवाद है, उसमें एस जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पियानो, पियानो, पियानोज, एस जुड़ेगा। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियोज़,
एस जुड़ेगा। फोटो, फोटोज एस जुड़ेगा। ये अपवाद है जिस संज्ञा के अंत में ओ होता है। जिस संज्ञा के अंत में वाई हो किंतु वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता है तो वाई को हटा करके आई ई एस लगाकर बहुवचन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्मी, आर्मीज, बेबी, बेबीज, लेडी, लेडीज, इस तरह से। अगला नियम है जिन संज्ञा के अंत में एफ या एफ ही होता है बहुवचन बनाने के लिए एफ या एफ ही को हटाकर वी ई एस जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉल, कॉल्स, कॉल, कॉल। यहां देखना है आपको एफ है तो एफ हटा वी ई एस हुआ वाइफ, वाइफ, लाइफ, लाइफ, इटीसी। किंतु इसमें एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें एफ या एफ ही होता है किंतु एस ही जोड़ता है। ऐसे शब्द हैं बिलीव, ये नियम देखें फिर से, बहुत महत्वपूर्ण नियम है। इसमें एस जुड़ेगा, वी ई एस नहीं आएगा, एफ या एफ ही पर समाप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल बिलीव, इसमें केवल एफ, एफ अंत में है किंतु एस जुड़ेगा, एफ नहीं हटेगा। चीफ, चीफ, यहां एफ आया लेकिन एफ का वी ई एस नहीं हुआ। ग्रीफ, प्रूफ, ग्रीफ्स होगा, प्रूफ। प्रूफ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सेफ, सेस, इस तरह से इसमें एस जुड़ेगा। कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिसके जिसमें अंत में ई एन या आर ई एन लगा करके बहुवचन बनाया जाता है अथवा आर ई एन जोड़कर बहुवचन बनता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्स, ऑक्सन, चाइल्ड, चिल्ड्रेन, देखिए ऑक्स ऑक्सन हुआ, चाइल्ड चिल्ड्रेन हुआ। अगला नियम है कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें वाबेल को बदल करके बहुवचन बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फूट, फीट। अब यहां देखना है फूट का फीट हो गया किस तरह से वाबेल बना बनला। गूज, गीज, माउस, माइस। अब यहां वाबेल परिवर्तन होकर बहुवचन बन रहा है मैन, 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 इटीसी। अगला उदाहरण है जिस जैसे ओमेन, ओमेन। अगला उदाहरण है जिस नाउन का कंपाउंड होता है, कहने का मतलब कंपाउंड नाउन समझिए आप, दो या दो से अधिक नाउन मिल करके जब एक नाउन बनाते हैं उसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। कंपाउंड नाउन, और यदि दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़े होते हैं तो उसमें जो मुख्य शब्द होता है उसमें एस जोड़ के बहुवचन बनाया जाता है। सच एज फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी हियर, सच एज कमांडर इन चीफ,
इन चीफ। यहां मेन वर्ड क्या है? कमांडर। इन चीफ कमांडर मुख्य शब्द है, इसलिए इसमें एस जुड़ेगा और बहुवचन बन जाएगा। नेक्स्ट पासा बाई, मुख शब्द पासर, पासर में गुजरना, रागी गुजरने वाला, इसमें मुख शब्द है पासर, इसलिए इसमें जुड़ जाएगा। फादर इन लॉ, देखिए यहां दो शब्द हुआ, फादर इन लॉ, इन प्रीपोजिशन हुआ ला, फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ, सच एज सिस्टर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, इटीसी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट रूल्स, सॉरी, नाउन्स एंडिंग इन फुल टेक्स एस, इट मींस जिन संज्ञा के अंत में एफ यू एल होता है उसमें एस जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जिन संज्ञा के अंत में एफ यू एल फुल होता है, एफ यू एल फुल होता है, इसमें एस जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। सच है आर्मफुल, आर्मफुल्स, माउथफुल, माउथफुल्स। अब यहां देखिए एस ही जोड़ रहा है, स्पूनफुल, स्पूनफुल्स, ये नियम है। अगला नियम है कंपाउंड नाउन, अभी कंपाउंड नाउन की चर्चा कर रहे थे, आर्मफुल भी कंपाउंड नाउन है, उसके पहले हमने बताया जो प्रीपोजिशन से जुड़ा होता है, लेकिन ये अगला नियम, ये भी विशेष नियम है, कंपाउंड नाउन हो किंतु कंपाउंड नाउन का पहला शब्द मैन और वोमेन हो, तो मैन और वोमेन हो तो मैन का भी बहुवचन बनेगा और जो शब्द आएगा उसका भी बहुवचन बनेगा। सच है फॉर एग्जाम्पल मैन सर्वेंट, ये भी कंपाउंड नाउन बना, अब इसका बहुवचन जो बनेगा मैन सर्वेंट्स हो जाएगा, मैन सर्वेंट्स होगा। वुमेन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर्स। सच है मैन ड्राइवर, मैन ड्राइवर बहुवचन होगा, मैन ड्राइवर्स। नेक्स्ट रूल, कंपाउंड नाउन हो अंतिम शब्द में एस जोड़ा जाता है, जिस सच एज बॉयफ्रेंड, कंपाउंड नाउन ने भी बना बॉयफ्रेंड, तो जो अंतिम शब्द इसमें होता है बॉयफ्रेंड्स होगा, गर्ल फ्रेंड, गर्ल्स फ्रेंड होगा, गर्ल फ्रेंड्स होगा। सच एज ग्रोन अप, ग्रोन अप्स होगा, ग्रोन अप्स होगा। सच एज क्लोज अप, क्लोज अप्स होगा। नेक्स्ट रूल जो हम बताने जा रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण है, यदि डिग्री हो, डिग्री का मतलब जो हम ऑब्टेन करते हैं, सच एज बीए, तो इसमें जो बहुवचन बनाया जाता है इसका, इसमें एपोस्ट्रॉफी एस, आप ध्यान दें ये महत्वपूर्ण क्या कहते हैं रिमार्क है, एपोस्ट्रॉफी एस, इसको जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। बी ए बीज, एम ए एमेज, एम एल ए एम एल एज, एल एल बी एल एल बीज, इस तरह से इसका बहुवचन बनाया जाता है। अगला नेक्स्ट वीडियो में
इससे रिलेटेड माने संबंधित कुछ बातें और बताएंगे, फिर उसके बाद नॉन फंक्शनल रिलेशन हम आपको विधिवत बताएंगे जो कि ग्रामर का या नाउन का बहुत महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद।